नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, अपना जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी का सिलेबस चल रहा है उसमें पिछले दो वीडियो में आपने देखा कि चालकों के प्रकार, चालक में ठोस चालकों के बारे में पढ़ा, ठोस चालक कितने प्रकार के होते हैं, चालकता के आधार पर अच्छी तरह से वर्गीकरण किया। तो चलिए दोस्तों, आज उस चालकों के प्रकार को जारी रखते हुए अर्थात अपने इलेक्ट्रिकल सिलेबस को जारी रखते हुए आज के इस वीडियो में देखेंगे उन्हीं चालकों के अगले प्रकार द्रव्य चालक, गैस चालक और अति चालक के बारे में वर्गीकरण करेंगे। तो अभी तक आपने चालकों के प्रकार के पिछली वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को एक बार अवश्य देख लें ताकि आपको चालक के प्रकार के बारे में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज नहीं हो। और जो दोस्त पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इलेक्ट्रिकल थ्योरी का सिलेबस निम्न पैटर्न के आधार पर संपूर्ण करवाया जाएगा, जिससे कि आप किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिकल एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करके सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में देखते हैं चालकों के प्रकार के बारे में। और चालकों के प्रकार में द्रव्य चालक, सबसे पहले द्रव्य चालक, उसके बाद में गैस चालक और उसके बाद में सुपर कंडक्टर के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये है दोस्तों द्रव्य चालक। लिक्विड कंडक्टर, दोस्तों लिक्विड कंडक्टर क्या होता है, देखो तरलीय चालक बोलते हैं, जिसको हिंदी में तरलीय चालक बोलते हैं। ठोस चालकों में देखा आप लोगों ने कि विद्युत धारा का प्रवाह है, ठोस चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा था, तो इसलिए कहते हैं इस द्रव्य चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होगा, आयनों के द्वारा होगा। आपने देखा सभी ठोस चालक धातुओं का प्रतिरोध तापमान धनात्मक था, तो यहाँ इन लिक्विड कंडक्टर का प्रतिरोध तापमान अर्थात द्रव्य चालक का प्रतिरोध तापमान ऋणात्मक होता है, अर्थात तापमान बढ़ने के साथ साथ इस लिक्विड कंडक्टर का प्रतिरोध का मान घटता जाता है। ये तरल अवस्था में होता है, ऐसे इसमें लिख दें कि प्रतिरोध तापमान, सबसे बड़ी विषय प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, मतलब नेगेटिव होता है। इसको अल्फा से दर्शाते हैं। इसकी इकाई आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखी है, उससे पहले वीडियो बना रखा उसमें देखी होगी, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड इसकी इकाई होती है। ये तो था। अब ये तरल अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे तरल अवस्था में तनु गंधक का मल, पारा, लिक्विड सोप, नींबू का रस, साल्ट सोल्यूशन, मरकरी, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, गंधक का मल और रेन वाटर, सबके सब क्या है, ये द्रव्य चालक है। अब बात आते हैं कि द्रव्य चालकों में विद्युत धारा किस प्रकार प्रवाहित करवा सकते हैं या किसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यही देखा जाता है कि ठोस चालकों में होता है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, तो यहाँ कहते हैं कि विद्युत धारा आयनों के द्वारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा आयनों के द्वारा प्राप्त की जाती है। तो सबसे अच्छा लिक्विड कंडक्टर कौन सा है, मतलब कि सबसे अच्छा तरलीय चालक कौन सा होगा जिसमें आयनों की संख्या सबसे अधिक होगी। जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा कि ठोस चालक अच्छे से अच्छा छोट अपन ठोस चालक कौन सा था जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक थी, तो यहाँ आयनों की संख्या सबसे अधिक होगी, वो अच्छे से अच्छा चालक होगा। तो ये लिख सकते हैं कि विद्युत धारा आयनों के द्वारा प्राप्त की जाती है, इनमें इसमें विद्युत धारा आयनों के द्वारा प्राप्त की जाती है या प्रवाहित की जाती है, एक ही बात है। एक तो सबसे बड़ी विशेषता यह आती है इसका प्रतिरोध तापमान ऋणात्मक होता है, दो बातें, और तीसरी बात देखो इसकी, विद्युत धारा जब आयनों के द्वारा प्राप्त किया जाता है तो सबसे अच्छा द्रव्य चालक कौन सा होगा जिसमें आयनों की संख्या सबसे अधिक होगी। तो सबसे अच्छा द्रव्य चालक, सबसे अच्छा द्रव्य चालक जिसमें आयनों की संख्या अधिकतम होती है वो सबसे अच्छा द्रव्य चालक होता है। अब उसके बाद देखो दो विशेषताएं, दो समानताएं आ गई, ठोस चालक में विद्युत धारा फ्री इलेक्ट्रॉनों के द्वारा और यहां आयनों के द्वारा। तो दोनों चालकों की तुलना की जाए
मतलब कि इस द्रव्य चालक की और ठोस चालक की तुलना की जाए तो ये होता है कि ठोस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यहाँ द्रव्य चालक में विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो यहाँ रासायनिक परिवर्तन होता है। तो मतलब कि वहां कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं था, यहाँ रासायनिक परिवर्तन होता है। उस रासायनिक परिवर्तन के द्वारा द्रव्य चालक अपने आयनों में बट जाता है, तो आयन होते हैं दो, एक धन आयन और एक ऋण आयन, तो दो आयनों में बट जाता है। इसलिए ये होता है कि ठोस चालक में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, जबकि द्रव्य चालक में रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसके कारण ये द्रव्य सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन अपने दो आयनों में बट जाता है। ये क्या होता है, जैसे सबसे अच्छा चालक ठोस की बात की थी तो चांदी था, यहां यदि बात करते हैं सबसे अच्छा चालक कौन सा था, H2SO4, AgNO3, CuSO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, ये सबसे अच्छे चालक थे। और यदि आप इसकी दृष्टि से देखा जाए जिनमें आयनों की संख्या जिसमें अच्छे चालक सबसे अच्छे चालक कौन से थे, सबसे H2SO4 तनु गंधक का अम्ल, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, CuSO4 CuSO4 कॉपर सल्फेट, एक होता है कॉपर सल्फेट, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन, और भी होते हैं लेकिन सबसे अच्छे कौन से होंगे, जिनमें आयनों की संख्या सबसे अधिक होगी, ये तो थे। और जिनमें आयनों की संख्या कम होती है वो कौन कौन से हैं, जैसे नींबू का रस, नींबू का जूस, कार्बोनिक एसिड समाधान मतलब सॉल्यूशन, अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, नल का पानी, बारिश का पानी, मतलब बारिश का पानी, यहां तक कि इनमें आयनों की संख्या कम है, ये विद्युत के चालक तो है लेकिन इनकी तरह अच्छे चालक नहीं होंगे। जैसे अपन बात करते हैं कि सबसे अच्छे चालक जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है और जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है वो अर्धचालक कहलाते हैं। तो ये जो मैंने नाम लिखा है आपको, नींबू का रस है, कार्बोनिक एसिड सॉल्यूशन है, अमोनियम क्लोराइड है, नल का पानी है, बारिश का पानी है, ये क्या है, ये सिर्फ ओनली अर्धचालक की भांति कार्य करते हैं। अब जब जब इनको गर्म किया जाएगा, तो इनका प्रतिरोध घटेगा। जैसे आपको बताऊं H2SO4 कहाँ काम में लेते हैं, H2SO4 बैटरी में काम में लेते हैं, बैटरी में जो सॉल्यूशन डाला जाता है, जो इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है वो H2SO4 होता है, जिसको गर्म करने से इसका प्रतिरोध घटेगा। यदि इसका प्रतिरोध बढ़े तो बैटरी अच्छी तरह पूर्ण चार्ज नहीं होगी, इसलिए वहां वो सॉल्यूशन डाला जाता है जिसका प्रतिरोध का मान घटता है गर्म होने से, तो बैटरी चार्ज होती है, बैटरी गर्म होती है, इसका प्रतिरोध घटता है, बैटरी अच्छी तरह चार्ज हो जाती है। तो ये तो थे दोस्तों इस द्रव्य चालक के गुण थे, जो विशेषता थी। अब उसके बाद बात करते हैं द्रव्य चालक होते कितने प्रकार के हैं। जैसे पारा, पारा की बात की जाए द्रव्य चालक ही होता है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की बात की जाए द्रव्य चालक ही होते हैं। तो आज एक एक का वर्गीकरण करेंगे, तो द्रव्य चालक के प्रकार पढ़ते हैं, इनको रजिस्टर में उतारे ना, परीक्षा में आता है कि सबसे अच्छा द्रव्य चालक कौन सा होता है जिसमें आयनों की संख्या सबसे अधिक होती है, इनकी विशेषताएं होती है, ये आता है प्रतिरोध तापमान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, तो इनको रजिस्टर में उतारे ना ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। अब पढ़ते हैं द्रव्य चालकों के प्रकार। टाइप्स ऑफ लिक्विड कंडक्टर, सबसे पहले पढ़ते हैं पारा, इसको पारद भी बोलते हैं, अंग्रेजी में मरकरी बोलते हैं, ये इसके बारे में अध्ययन करते हैं। पारा क्या होता है, देखो पारा साधा तरल अवस्था में होता है। अब उसके बाद देखो इसको गर्म करेंगे, गर्म करने से ये वाष्प बन जाता है, जब इसको ठंडा करेंगे तो क्रिस्टल अवस्था प्राप्त कर लेता है। वैसे देखा जाए तो तरल पदार्थ ही होता है, तरल चालक ही होता है, पारा सबसे अच्छा चालक होता है लिक्विड पदार्थ है। अब इसके परमाणु क्रमांक देखा जाए, इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है, इसकी चालकता उच्चतम होती है और प्रतिरोध का मान कम से कम होता है। अभी इसको देखो तरल अवस्था में है, इसको गलनांक की बात की जाए, ये होता है देखो तरल अवस्था में गलनांक की, अब चालकता उच्चतम होती है
ये तरल अवस्था में होता है, तरल चालक होता है। प्रतिरोधकता न्यून होती है, अब होती कितनी है वो भी लिखेंगे। प्रतिरोधकता निम्न होती है। अब देखो उसके बाद यदि बात की जाए तो इसका परमाणु क्रमांक वो लिखते, क्योंकि एक दो बार परीक्षा में आएगा कि पारे का परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक 80 होता है, एक ही आता है परीक्षा में। उसके बाद इसके गलनांक की बात की जाए, गलनांक देखो सभी धातुओं का आपने गलनांक पढ़ा, आपने फारेनहाइट में पढ़ा, डिग्री सेंटीग्रेड में पढ़ा, तो आज इसकी बात करते हैं कि गलनांक कितना होता है। -38.824 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सेंटीग्रेड में आता है, -38.824 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कभी कभी 30 या 29 भी आता है, लेकिन आप चाहे 30 लिखो से मैंने 38.8 के लगभग आता है, 8 से 24 भी आता है, 29 भी आता है, कोई बात नहीं कि एक दो पॉइंट में। लेकिन उसके बाद पूछ सकता कि फारेनहाइट में कितना होता है, तो फारेनहाइट में देखो -37.892 डिग्री फारेनहाइट होता है, ये इसका गलनांक है डिग्री सेंटीग्रेड में ये और फारेनहाइट में ये। अब देखे दोस्तों बात, अब ये उसके बाद देख रहे तो इसका केल्विन में मान कितना होता है, कि केल्विन में इसका गलनांक कितना होता है, तो ये केल्विन में गलनांक इसका देखा जाए तो 234.321 डिग्री केल्विन होता है। ये तो इसका गलनांक है। तीनों क्यों होता है कि परीक्षा में काफी बार था कि पारे का गलनांक कितना होता है, ये माइनस डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। ये तो था दोस्तों इसका पारे का गलनांक। अब इसकी रेजिस्टिविटी की बात कर जाए तो रेजिस्टिविटी कितनी होती है, जो पिछले वीडियो में आप देखते आ रहे हो कि हर चालक की रेजिस्टिविटी देखी, कंडक्टिविटी देखी, तो रेजिस्टिविटी होती है इसके देखो, रेजिस्टिविटी को रो से दर्शाते हैं, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी यहां लिख देता हूं, रेजिस्टिविटी रो 9.58। एक आता था क्वेश्चन पहले, आप लोगों ने देखता हो कि रेजिस्टिविटी कितनी है, 9.58 गुणा 10^7 ओम मीटर होती है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी रेजिस्टिविटी का मान 9.58 गुणा 10^-7 होती है। और इसकी यदि कंडक्टिविटी की बात की जाए तो कंडक्टिविटी इसकी होती है, इस कंडक्टिविटी को सिग्मा से दर्शाते हैं, जिसकी इकाई महो प्रति मीटर या साइमन प्रति मीटर होती है, 1.044 × 10^6 ये होती है 10^6 साइमन प्रति मीटर या महो प्रति मीटर होती है। ये इस पारे की बात कर रहे हैं। अब ये तो थी रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, अब इसके पारे की बात की इसका उपयोग कहां करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में, अपने इस क्षेत्र में प्रयोग कहां कहां किया जाता है, तो इसका प्रयोग थर्मामीटर में, बेरोमीटर में, नैनोमीटर में, मापक यंत्रों में और सोडियम वेपर लैंप, पारा वाष्प लैंप, जैसे अपनी ट्यूबलाइट होती है वहां भी मरकरी का प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं पारा वाष्प लैंप, जिसमें दो प्रकार के होते हैं, हाई प्रेशर एक लो प्रेशर, दोनों में ही इसका प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग देखो ट्रांसफार्मर के बुकोज रिले में फ्लोटिंग स्विच में करते हैं, एक मरकरी आर्क रेक्टिफायर में इसका प्रयोग किया जाता है, और डीसी के फेरेंटी एम्पेयर आवर मीटर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो लिख लेना आप, मैं नाम बता रहा हूं फिर दोबारा सुन लो, थर्मामीटर में, बेरोमीटर में, मैनोमीटर में और मापक यंत्रों में, पारावास लैंप में, जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक लो प्रेशर होता है, एक हाई प्रेशर होता है, जिसको बोलते हैं लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप, एक होता है हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप, दोनों में ही इसका प्रयोग किया जाता है। एक स्पेशल देखा जाए तो अपने जो ट्रांसफार्मर में जो सुरक्षा रिले लगी होती है, बुकोज रिले जिसके बोलते हैं, जिसमें फ्लोटिंग स्विच होते हैं जो कि ट्रांसफार्मर को ट्रिप करने के काम आते हैं, वहां भी इस मरकरी का प्रयोग ही किया जाता है। उसके बाद देखा जाए मरकरी आर्क रेक्टिफायर का प्रयोग होता है, जैसे एसी को डीसी मिलते हैं तो रेक्टिफायर कई प्रकार के होते हैं, उनमें मरकरी आर्क रेक्टिफायर आता है जो एसी को डीसी में बदलता है, वहां भी इसका प्रयोग किया जाता है।
और उसके बाद देखा जाए तो डीसी के फेरेंट्री एम्पियर आवर मीटर में, एम्पियर आवर मीटर होते हैं जो एनर्जी मीटर होते हैं, वो ये जो एनर्जी मीटर लगाते हैं इनके अंदर डीसी की बात की जाए तो डीसी में फेरेंट्री एम्पियर आवर मीटर होता है, वहां भी डीसी का डीसी के जो एम्पियर मीटर उनमें उसके अंदर एक बॉक्स होता है, बॉक्स में पारा भरा होता है और उस पारे में एक डिस्क घुमा जाती है, तो पारे में डिस्क होती है जिसके अंदर सिर्फ दुधारा प्रवाहित होती है, वहां भी इसका प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों ये तो था आपका पारा। अब उसके बाद अगला पढ़ते हैं इस द्रव्य चालक के प्रकार में दूसरा इलेक्ट्रोलाइट विद्युत विश्लेषण बोलते हैं जिसको विलयन के नाम से जाना जाता है, तो वो देख लेते हैं कि इस विलयन का प्रयोग कहाँ होता है, इसका रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का मान कितना होता है और किस प्रकार इसके सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है, बनाया कैसे जाता है। तो चलिए दोस्तों अब द्रव्य चालक में नंबर दो पे बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट इसको हिंदी में विलयन बोलते हैं, विलयन या विद्युत विश्लेषण। विद्युत विश्लेषण बोलते हैं। आज इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो बैटरी में डालते हैं पानी डालते हैं उसकी बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट पानी में तेजाब मिलाने से बना पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, अर्थात विलयन कहलाता है। तो इसकी परिभाषा की विलयन किसे कहते हैं, पानी में तेजाब मिलाएंगे, वो कितना मिलाएंगे, वो पदार्थ की प्रकृति, वो अपने अपने सॉल्यूशन के आधार पर देखा जाता है कि कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बैटरी की बात की जाए तो बैटरी का सॉल्यूशन अलग होता है, उसकी भी करेंगे तो पानी में तेजाब मिलाने से अर्थात एसिड मिलाने से, वाटर में एसिड मिलाने से जो पदार्थ का निर्माण होता है वह इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। यह एक प्रकार का तरल चालक होता है, द्रव्य चालक होता है। अब बात आती है द्रव्य चालकों की बात की जाए तो इसका प्रतिरोध ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट, प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, मतलब नेगेटिव होता है, एक ही होता है। दूसरी बात देखो, आयनों की संख्या मान लो चाहे फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लो, बहुलता होती है। इलेक्ट्रोलाइट में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुलता होती है, आयनों की संख्या सबसे अधिक होती है, वो अच्छे से अच्छा फ्री द्रव्य चालक होता है, वो आपने पिछली वीडियो देखा। अब उसके बाद देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट बनाते कैसे हैं, जैसे बैटरी में काम में रहते हैं H2SO4, ठीक है ना, H2SO4 वहां इसको बनाते कैसे हैं, तो पानी प्लस तेजाब, ये लिख देते हैं पानी प्लस तेजाब, तेजाब मतलब एसिड, 3:1 में मिलाया जाता है। अब बात आते हैं 3:1 में जब मिलाते हैं तो पानी में तेजाब मिलाएं या तेजाब में पानी मिलाएं, तो ये होता है कि पानी में तेजाब मिलाकर बूंद बूंद करके डालकर इसका निर्माण किया जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि तेजाब में पानी मिलाया जाता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि आप याद रखोगे, जैसे अपना तेल है, तेल को गर्म करो, जैसे तेल को पतीले में डाला या कढ़ाई में डाला, उसको गर्म करो, मतलब तेल को उबाल लेते हैं, फिर यदि उसमें आप एक बूंद या एक छोटा सा गिलास में पानी डालते हो तो पूरा का पूरा तेल बाहर आता है और अपने को जला देता है, अपना नुकसान कर देता है, तो अपना नुकसान होता है। उसी प्रकार तेजाब होते हैं, तेजाब में जब भी पानी डालोगे पूरी तेजाब बाहर आएगी और जहां भी गिरेगी वहां नुकसान करेगी। और यदि उसी प्रकार उल्टा करके देखो, आप लोग पानी को गर्म करो और तेल का एक गिलास डालो, उसके अंदर पूरा अंदर आसानी से समा जाएगा। उसी प्रकार ये होता है कि पानी में तेजाब डालोगे आसानी से उसके अंदर समा जाएगी और पूरा आपका इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। इसलिए पानी में बूंद बूंद करके तेजाब मिलाकर उस इलेक्ट्रोलाइट का निर्माण किया जाता है। ये तो था। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं तेजाब का, देखो इस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बात कि कहाँ, प्राथमिक स्तरों में, मतलब कि रासायनिक क्रिया के द्वारा जो भी कार्य संपन्न किया जाता है सब के सब इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा होता है। कहाँ कहाँ होता है, वो अलग अलग पदार्थ के निर्माण के आधार पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे H2SO4 की बात करें तो बात आता है कि प्राथमिक शैलों में, दूसरी बात लेड एसिड बैटरी में, और उसका अलग भी प्रारूप देखा जाए तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, विद्युत लेपन में, इनमें इस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग पदार्थों की बात करें देखो कहाँ आता है, जैसे सबसे पहले बात करें H2SO4, तनु गंधक का अम्ल की बात करें तो नाम लिख दो द्वितीयक शैलों में, द्वितीयक शैल अर्थात लेड एसिड बैटरी, इसमें
इसकी विशेषता देखो, इसका प्रतिरोध तापगुणांक ऋणात्मक होता है। उसके बाद यदि बात की जाए, देखो लेड एसिड बैटरी के बाद यदि बात की जाए AgNO3, AgNO3 इसका मतलब होगी सिल्वर नाइट्रेट का घोल, सिल्वर सिल्वर नाइट्रेट। किसी धातु पर देखो चांदी की यदि पॉलिश डानी होती है तो सिल्वर नाइट्रेट का घोल का प्रयोग किया जाता है। और वैसे सुनामी जो स्याही होती है, हमने जो पर चुनाव के दौरान जो सिंबल लगाते हैं उंगलियों पर, वो सिल्वर नाइट्रेट की घोल की ही होती है, जो काफी लंबे समय तक अपना रंग दिखाती है और जमा के रखती है, वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। उसके बाद देखो कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट। इस कॉपर सल्फेट का घोल कहां करते हैं, तांबे की परत चढ़ाने के लिए, मैंने आपको बताया था ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब एक धातु के परत दूसरी धातु पर चढ़ाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है, जिसको हिंदी में विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन में भी इस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है, जिसको तांबे की परत चढ़ाएंगे तो कॉपर सल्फेट का घोल, ठीक है। यदि सिल्वर की चांदी की परत चढ़ाएंगे AgNO3 का घोल और चुनावी स्याही के तौर पर, तो ये होता है तांबे की परत चढ़ाने के लिए इस CuSO4 का करते हैं, और चांदी की परत चढ़ाएंगे AgNO3 का करते हैं, सोने की परत चढ़ाने के लिए भी यही करते हैं। अब बात यह है ZnSO4, मैं दो चार नाम लिखा ZnSO4, ZnSO4 आता ना, ZnSO4 जिंक सल्फेट, जाता है जिंक सल्फेट का घोल। पिछले वीडियो में आपने देखा कि लोह कंडक्टर की बात कर रहे थे, तो GI लोह के बारे में बात की। GI लोह क्या होता है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते थे, और उस गैल्वेनाइजेशन की क्रिया संपन्न करने के लिए इस ZnSO4 जिंक सल्फेट के घोल का प्रयोग किया था। इसलिए कहते हैं लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने के लिए किस प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है, अर्थात गैल्वेनाइजेशन क्रिया को संपन्न करने के लिए किस प्रकार के इस विलयन का प्रयोग किया जाता है, ZnSO4 जिंक सल्फेट होता है। तो ये तो इस इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कि इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्राथमिक सेलों में, द्वितीयक सेलों में, और इस चुनावी स्याही के तौर पर एक धातु की परत दूसरी धातु पर चढ़ाने के लिए इस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता था। अब उसके बाद देखो धातु शोधन में भी होता है, धातु शोधन में और एक धातु के परत दूसरी धातु पर चढ़ाने में इसका प्रतिरोध तापगुणांक ऋणात्मक होता है और इसकी चालकता अधिक होती है, प्रतिरोध का मान कम होता है, अर्थात प्रतिरोध जो भी गर्म करेंगे प्रतिरोध का मान वैसे ही कम होता चला जाएगा और चालकता का मान बढ़ता चला जाएगा। ये थी अपने इलेक्ट्रोलाइट जो तरली चालक की बात करते हैं। तो दोस्तों तरली चालक अपने पास दो ही हैं, एक तो पारा और एक इलेक्ट्रोलाइट जिनका वर्गीकरण कर लिया है। अब इसके बाद चालकों के प्रकार में पड़ेंगे गैसीय चालक जो अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं और कहां कहां इनका प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार के गैसीय चालक का प्रयोग अधिकतम किया जाता है वो देखते हैं। तो अब बात करते हैं गैसीय चालक, वे पदार्थ जो गैस अवस्था में पाए जाते हैं गैसीय चालक कहलाते हैं। सभी गैसें गैसीय चालक नहीं होती हैं, वो गैस जिनके द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है गैसीय चालक होते हैं। वे पदार्थ जिनके द्वारा तरल अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता था वह इलेक्ट्रोलाइट या तरल चालक कहलाते थे। वे पदार्थ जिन ठोस पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से किया जाता था वह ठोस चालक कहलाते थे। तो ये भी होते हैं गैसीय चालक, गैस अवस्था में पाए जाते हैं। तो किन किन गैसों में विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है, या वो कौन सी गैस है जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है और किन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो जिन गैसों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है वह तो होते हैं कुचालक, अचालक के भांति कार्य करते हैं, और जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, जिन गैसों के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है वो होते हैं गैसीय चालक। इसलिए कहते हैं कि वो गैसें कौन कौन सी है, निष्क्रिय गैस, देखो ये गैस अवस्था लिग्निन ये गैस अवस्था में पाए जाते हैं, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। कौन कौन जो गैसें होती है, निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस जो भी होगी सबके सब विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाएगा। निष्क्रिय गैस जिसका दूसरा नाम नोबेल गैस, जिनका दूसरा नाम नोबेल गैस, या फिर अलग की बात करें इसका और अलग की दुर्लभ गैस,
दुर्लभ है क्योंकि बहुत कम अवस्था में पाए जाते हैं। वायुमंडल में देखा जाए तो 6 प्रकार की गैसें होती हैं जो निष्क्रिय गैस होते हैं, जो किसी दूसरी गैस के या किसी दूसरे के साथ क्रिया नहीं करते हैं। एक होता है जिसको अक्रिय गैस भी बोलते हैं, अक्रिय गैस ये होता है, या फिर कभी कभार इनर्ट गैस भी बोलते हैं या इंसर्ट गैस भी बोलते हैं। ये तो इनके नाम है, नोबेल गैस, दुर्लभ गैस, एक कभी कभार नाम होता है उत्कृष्ट गैस। जो परीक्षा में नाम आ चुके हैं वो मैं आपको लिखा रहा हूं कि कौन कौन से परीक्षा में नाम आ गए। उत्कृष्ट गैस किसे कहते हैं, प्रकृति में उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में कितनी गैस पाए जाते हैं, तो आज उनके एक ही गैस का वर्णन करेंगे कि कौन सी गैस का प्रयोग कहां किया जाता है। ठीक है, तो अपनी यदि निष्क्रिय गैसों की बात की जाए तो निष्क्रिय गैस कितनी होती है, 6 निष्क्रिय गैस होते हैं। कौन कौन सी, एक ट्रिक के द्वारा पढ़ेंगे कि इन गैसों को कैसे याद करें, इन गैसों का प्रयोग कहाँ होता है और इन गैसों की खोज किसने की वो देखते हैं आज, कि अक्रिय गैस का नाम किसने दिया कि ये अक्रिय गैस होते हैं। तो अक्रिय गैस को लो किया, देखो खोज किसने की, खोजकर्ता लोकियर नाम का वैज्ञानिक था जिसने इस अक्रिय गैस के बताए में, जिसको दूसरा नाम भी आता है रेक्जे ने इस गैस का निर्माण किया। और यदि इस रेक्जे को दूसरा नाम का रेले कहते हैं, रेले। ये जो वैज्ञानिक था उसने बताया कि निष्क्रिय गैस वायुमंडल में पाए जाते हैं जो दूसरी गैस के साथ क्रिया नहीं करते हैं। तो अब कौन कौन से वो गैसे हैं जिनको अपने वायुमंडल में अधिकतम नहीं पाई जाती, जो 6 प्रकार की होती हैं, उन गैसों के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है और कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है, और कुल मिलाकर कितनी गैसें होती हैं जो अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में प्रयोग की जाती हैं, उनका नाम लिख लेते हैं। तो एक ट्रिक के द्वारा याद करते हैं, ऐसे तो 6 गैसों का नाम याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं फिर देख लो, जिसको कहते हैं अरे अरे जेकी हिलना। ठीक है, अरे जेकी हिलना, ये जेकी किसी आदमी या किसी को नाम पुकारा गया कि जेकी हिल मत। ठीक है ना, तो ये होता है अरे जेकी हिलना। अब होगी बात कि इसमें नाम ए रे जे की हिल और ना, ये गैस आ गई। इन गैसों की देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये होता है कि निष्क्रिय गैसें कितनी प्रकार की, निष्क्रिय गैसें 6 प्रकार की होती हैं। निष्क्रिय गैस 6 प्रकार की होती हैं। अब देखो एक नंबर एक डालते हैं आर्गन, याद करना ए आर्गन 2 रे, पीछे नाम ले देता हूं, यहां 6 गैसों का नाम देखो ए आर्गन रे रेडोन जे जिनून की क्रिप्टोन हिल हीलियम और ना का नियोन। ये ना का नियोन गैस, अब इनके बारे में 6 की 6 बात करें, इनका प्रयोग कहां होता है वायुमंडल में, सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है। ठीक है ना, देखो ये हो गया आर्गन की बात करते हैं। ठीक है ना, आर्गन गैस जो निष्क्रिय गैस है वायुमंडल में सर्वाधिक अवस्था में पाई जाती है, सबसे अधिक निष्क्रिय गैसों में आर्गन गैस सबसे अधिक पाई जाती है। अब इसका इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में प्रयोग कहां करते हैं, देखो विद्युत बल्बों में, अपने विद्युत बल्ब बिजली के बल्ब जो भी होंगे, जैसे अपने ये बात करते हैं ना धातु फिलामेंट लैंप की बात करते हैं, जो कि गैसीय फिलामेंट लैंप होता है जिसके अंदर गैस डाल जाए, धातु होता है, एक निर्वात होता है, धातु फिलामेंट लैंप में इस आर्गन गैस का प्रयोग ही किया जाता है। दूसरी बात ट्यूबलाइट की बात कर लेते हैं, अपने जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसमें भी आर्गन गैस डाल जाती है। इसके मतलब किसी भी प्रकार के धातु
जो लैंप होता है, जो अपने बिजली के जो बल्ब होते हैं उनमें इस आर्गन गैस का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है और वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद रेडोन की बात करते हैं, रेडोन को आर से दर्शाते हैं, आर एन, ये विद्युत बल्बों में रेडोन की बात करें। देखो रेडोन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, इसका मतलब अपने वायुमंडल में रेडोन का नहीं होती है, ये वायुमंडल से अलग यदि देखा जाए ऊपर वायुमंडल की परत को छोड़कर ऊपर रेडोन गैस का निर्माण होता है, जहां रेडार चलती है, रेडार का प्रयोग किया जाता है, वहां इस रेडोन गैस का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये वायुमंडल में नहीं होती है, वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। काफी बार रेलवे में क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है, कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। अब उसके बाद देखो जीनोन की बात करते हैं, अक्सी जीनोन गैस की बात करते हैं, ठीक है ना। जीनोन गैस का प्रयोग कहां होता है, देखो जीनोन गैस का प्रयोग अधिकतर देखा जाए तो मेडिकल क्षेत्र में किया जाता है, मतलब स्वास्थ्य विभाग में किया जाता है, जैसे फेफड़ों संबंधी बीमारियों में जीनोन गैस का प्रयोग ही किया जाता है, अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में जीनोन गैस का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए फेफड़े संबंधी बीमारियों में लिख दो कि जीनोन गैस का प्रयोग फेफड़ों संबंधी बीमारियों में इस जीनोन गैस का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद देखो क्रिप्टन की बात करते हैं, क्रिप्टन गैस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, क्रिप्टन गैस का प्रयोग हाई स्पीड की जो फोटोग्राफी होती है, फोटोग्राफी जो अपने फोटोग्राफी का कार्य करते हैं, हाई स्पीड से जो फोटोग्राफी का कार्य करते हैं उसमें क्रिप्टन गैस का प्रयोग किया जाता है, तो लिख देते हैं हाई स्पीड फोटोग्राफी में, हाई स्पीड फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात की हीलियम, हीलियम और नियोन गैस की बात की, हीलियम गैस देखो गुब्बारों में भरने के लिए, ठीक है, गुब्बारों में जो गैस भरते हैं वो इसमें प्रयोग करते हैं, मौसम संबंधी जानकारी में भी मौसम संबंधी विभाग होता है वो हीलियम का प्रयोग करते हैं, मतलब कि वायुमंडल में जो गुब्बारे उड़ते हैं हीलियम गैस, हाइड्रोजन हल्की होती है हाइड्रोजन भरते हैं, लेकिन गुब्बारों में जो अधिकतर गैस भरी जाती है वो हीलियम भरी जाती है, तो लिख दो गुब्बारे भरने हीलियम, हीलियम की बात करते हो एच ई, गुब्बारे भरने में और मौसम संबंधी जानकारी में मौसम संबंधी विभाग में और विद्युत बल्बों में ये। अब लास्ट बच गई नियोन गैस, नियोन गैस का प्रयोग कहां करें, जिसको एन ई से दर्शाते हैं, एन ई, नियोन गैस का प्रयोग कहां करते हैं, वेव मीटर में करते हैं, वैक्यूम ट्यूब में करते हैं, जैसे अपने न्यून साइन ट्यूब होते ना, जो अपने बल्बों की बात करनी हो, जो प्रदर्शनी के लिए जो जिन ट्यूबों का प्रयोग करते हैं प्रदर्शनी में विज्ञापन के तौर पर जिस ट्यूब का जो अपने दिखावा करते हैं वो न्यून साइन ट्यूब होते हैं, उन न्यून साइन ट्यूब में न्यून गैस का ही प्रयोग किया जाता है, जो कि अलग अलग रंगों का प्रकाश प्रदर्शित करते हैं, ये तो होता है न्यून गैस, तो इसको लिख दो कि वैक्यूम ट्यूब में, वैक्यूम ट्यूब में और विद्युत बल्बों में विद्युत बल्बों में और उसके बाद वेव मीटर में ये गैसों की बात है, ये तो ठीक ठीक। अरे जबकि हिलना छह गैसें हैं, छह गैसों का वर्गीकरण कर रहे हैं, और अब देखा जाए ये तो थी इनकी बात, विद्युत बल्बों में वैक्यूम ट्यूब में वेव मीटर में सभी गैसों का एक एक वर्गीकरण किया, एक अधिकतर कितनी गैस काम आई, आर्गन आई, हीलियम और नियोन गैस, यही गैस जो होती हैं जो विद्युत बल्बों में अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में सबसे अधिक प्रयोग की जाती है, बाकी गैसों का वर्गीकरण अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में नहीं होता है, और इनमें तीनों की बात की जाए तो सबसे अधिक गैस आर्गन ही प्रयोग की जाती है। अब देखते हैं इसका प्रतिरोध तापमान, इन गैसों को गर्म किया जाए तो उनका प्रतिरोध बढ़े या घटे, तो इनका प्रतिरोध तापगुणांक ऋणात्मक होता है, परीक्षा में काफी बार पूछा जाता है निष्क्रिय गैसों का प्रतिरोध तापगुणांक ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, ये तो थी दोस्तों इस गैसों का वर्गीकरण। तो चालकों की बात करते हैं, ठोस चालक पढ़ लिए,
द्रव चालक पढ़ लिए और गैसीय चालक पढ़ लिए। अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में इनका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं और किस प्रकार इनका प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों लास्ट चालक के प्रकार जो चल रहे थे उसमें बच गया अति कंडक्टर, सुपर चालक बच गया। सुपर चालक किसे कहते हैं जिसका काफी बार परीक्षा में प्रश्न आता है, तो उसका और अध्ययन कर लेते हैं, फिर अपना एक टॉपिक पूरा हो जाएगा चालक के प्रकार का, जो कि आज चालक के प्रकार में टॉपिक नंबर 3 चल रहा है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं सुपर कंडक्टर। अगला चालक अति कंडक्टर, सुपर चालक किसे कहते हैं, सुपर चालक का प्रयोग कहाँ किस प्रकार के क्षेत्रों में किया जाता है उसकी ओर बात कर लेते हैं। देखो अति चालक, अगला नंबर 4 जो चालकों के प्रकार चल रहा है उसमें नंबर 4 चल रहा है अति चालक, सुपर कंडक्टर। अब देखो सुपर कंडक्टर कैसे कहते हैं, वह पदार्थ जिसका प्रतिरोध शून्य होता है, वह पदार्थ जिसकी चालकता अनंत होती है सुपर कंडक्टर कहलाता है। अब सुपर कंडक्टर ऐसा तो कोई पदार्थ नहीं है जिसका प्रतिरोध शून्य हो, जिसकी चालकता का मान अनंत हो, अर्थात जिसमें प्रतिरोध हो ही नहीं, ऐसा तो कोई पदार्थ नहीं है। लेकिन आप लोगों ने चालक के प्रकार पढ़े, तो चालकों की विशेषता पढ़ी आप लोगों ने और प्रतिरोध ताप गुणांक पढ़ा पिछले वीडियो में, तो अब तक देखो ये प्रतिरोध ताप गुणांक, चालक के प्रकार, चालक की विशेषताएं अब तक अभी नहीं पढ़ी है, नहीं वीडियो देखा है तो देख लो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज आते हैं और सभी प्रकार के पदार्थ में वही चीज बार बार दोहराई जाती है, तो पीछे की वीडियो एक बार देखोगे तो आपको आगे की वीडियो में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिर भी मैं बता देता हूं कि वह पदार्थ, देखो अति चालक वह पदार्थ जिसका प्रतिरोध का मान शून्य हो, अर्थात प्रतिरोध शून्य होता नहीं है, किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि सभी धातुक चालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, उनको जो जो गर्म किया जाएगा उनका प्रतिरोध बढ़ता जाएगा और जो जो ठंडा किया जाएगा उनका प्रतिरोध घटता चला जाएगा। तो कितना ठंडा करें कि उनका प्रतिरोध शून्य हो जाए, अगली बात, तब ही जाकर वो चालक अति चालक की श्रेणी में आएगा और वह सुपर कंडक्टर कहलाएगा। तो कितना ठंडा करें, उसके तापमान को कितना घटाएं कि वह प्रतिरोध एक अति कंडक्टर या अति चालक बन जाए, अर्थात उसका प्रतिरोध का मान शून्य हो जाए और चालकता का मान अनंत हो जाए। इसलिए सभी धातुओं की बात देखो, सभी चालक धातुएं जिनका प्रतिरोध तापमान ऋणात्मक है, यदि 1 डिग्री केल्विन तक, 0 डिग्री केल्विन तक उसको तापमान में परिवर्तन किया जाएगा, अर्थात 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री केल्विन, ठीक है ना, 0 डिग्री केल्विन पर जिस पदार्थ का तापमान होगा वह अति चालक कहलाएगा। मतलब सभी धातु चालकें 0 डिग्री केल्विन पर अपने प्रतिरोध का मान को शून्य कर लेते हैं और उनकी चालकता का मान अनंत हो जाता है और वह सुपर कंडक्टर कहलाता है। तो याद रखना दोस्तों, कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर, 0 डिग्री केल्विन पर सभी धातु चालकें सुपर कंडक्टर बन जाते हैं, लेकिन सारे के सारे सुपर कंडक्टर हैं, कुछ पहले ही बन जाती है 0 डिग्री से, कोई देखा जाए तो 1 डिग्री केल्विन पे ही अपना मान अपने प्रतिरोध का मान शून्य कर लेते हैं, कोई 4 डिग्री केल्विन पे कर लेते हैं, कोई 8 डिग्री केल्विन पे कर लेते हैं, कोई 7 डिग्री केल्विन पे कर लेते हैं, लेकिन ये कहा जाएगा 0 डिग्री पे सारे कर लेंगे। आगे नहीं बात, ये तो अलग अलग प्रकृति रहेगी पदार्थों की, जैसे आप लोग कहेंगे सबका प्रतिरोध तापमान समान नहीं होता है, समान होता तो ये कहते कि सभी धातुएं 0 डिग्री पर ही अपना प्रतिरोध शून्य करती है, लेकिन कुछ का ज्यादा होता है, कुछ का कम होता है। तो अपने प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक की कंडीशन के अनुसार, की स्थिति के अनुसार, और ये अपने चालक अपने प्रतिरोध का मान शून्य करते हैं। तो सभी धातुएं अलग अलग प्रकार से अपना प्रतिरोध शून्य करते हैं, कितने डिग्री पे करते हैं वो पढ़ेंगे कि एल्यूमिनियम कितने डिग्री पे करता है, टिन कितने पे करता है, पारा कितने पे करता है, सीसा कितने पे करता है, तांबा कितने पे करता है, वो देखेंगे। तो सुपर कंडक्टर की विशेषता देखो, जिसमें प्रतिरोध का मान शून्य हो, प्रतिरोधकता शून्य हो, चालकता अर्थात कंडक्टिविटी, ठीक है ना, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मान अनंत हो, ये अपन चालकता, ये जो सुपर कंडक्टर का लेंगे, अर्थात आर का मान 0 और जी का मान अनंत, ये और कितने डिग्री पे होगा, 0 डिग्री केल्विन पे उस अति चालक उस पदार्थ का मान अपने प्रतिरोध का मान शून्य हो जाएगा। तो अब बात आती है, देखो 0 डिग्री केल्विन पे कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एक बात,
जीरो डिग्री केल्विन पे कितने डिग्री फारेनहाइट होता है? तो परीक्षा में पूछा जाता है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर सभी धातु चालके अपना प्रतिरोध शून्य कर लेते हैं, अर्थात उनका प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है और चालकता का मान अनंत हो जाता है। तो ये देखते हैं, देखो ठीक है ना, फिर देखेंगे ये किस किस प्रकार कार्य करते हैं कि मान यदि किसी प्रतिरोध का मान, किसी धातु का मान, यदि प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है तो किस प्रकार कार्य करती है और उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो जीरो डिग्री बराबर, देखो जीरो डिग्री केल्विन बराबर, ठीक है ना, जीरो डिग्री केल्विन का कन्वर्ट करोगे कितने डिग्री आता है, 273.65 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक तो याद रखना, सॉरी 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड एक जीरो डिग्री केल्विन में इतना मान होता है, और यदि फारेनहाइट की बात की जाए तो आता है 459.65 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है ना, 459.65 या कभी कभी 67 भी आता है, 67 लिख दे तो कभी कभी 67 आता है, 67 डिग्री फारेनहाइट होता है। ये तो था फारेनहाइट का मान और ये था डिग्री सेंटीग्रेड का मान, और ये केल्विन का मान है जीरो डिग्री केल्विन में। तो फिर पूछा जाए, ये सॉरी माइनस में आता है, ये माइनस में और ये माइनस में, माइनस में आता है। अब पूछा जाए कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर सभी चालक धातुएं अपना प्रतिरोध शून्य कर लेते हैं, अर्थात उनके प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है। तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर और -459.67 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनके प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है और चालकता का मान अनंत हो जाता है, और वही चालक सुपर कंडक्टर कहलाते हैं। एक तो बात ये थी, अब इनका मान शून्य हो जाता है। अब देखो इनमें संबंध क्या है, जीरो डिग्री में एक डिग्री केल्विन बढ़ाया जाए, पूछा जाए जीरो से एक डिग्री केल्विन बढ़ाया तो इसका मान 272.15, दो डिग्री केल्विन बढ़ाया तो इसका मान घटता चला जाएगा -271.15। ये मतलब एक एक डिग्री केल्विन बढ़ाओगे तो एक एक डिग्री इसका मान घटता चला जाएगा। तो कितने डिग्री के लगभग आके दोनों का मान बराबर हो जाएगा? तो ये कुछ ये कहा जाता है कि 136.6 के लगभग, 136.6 केल्विन के बराबर 136.55 मान लो या 6 मान लो माइनस डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हो जाते हैं, अगर इन दोनों का मान बराबर हो जाता है। तो ये नहीं आता है, ये आता है कि कितने डिग्री केल्विन पे या कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे या कितने डिग्री फारेनहाइट पे सभी धातु चालकों का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। अब बात करते हैं इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है ना। देखो जीरो डिग्री है तो आप लिखो कि शॉर्ट सर्किट का प्रतिरोध कितना होता है, जीरो होता है। तो परिपथ में यह शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य करता है, अति चालक के परिपथ में शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य करता है, परिपथ में शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट को हिंदी में लघु परिपथ कहते हैं, लघु पथ की भांति कार्य करता है। एक तो ये बात आ गई, दूसरी बात इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, दूसरी बात करते हैं टेक्नोलॉजी में, मतलब कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इसका प्रयोग अधिक किया जाता है, अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में बहुत कम करते हैं, प्रौद्योगिकी क्षेत्र जहाँ हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं वहां अति चालक का प्रयोग करते हैं। तो लेकिन प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसका यूज अधिक किया जाता है। एक ही आता है, मतलब शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य करता है और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सबसे अधिक इसका प्रयोग किया जाता है। अब वो धातुएं देख लेते हैं कि कौन सी धातु कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर अति चालक की भांति कार्य करती है, वो देख लेते हैं। जैसे अल्यूमिनियम की बात करते हैं, मैं यही लिख देता हूं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम मतलब कि 1.2 केल्विन पर, लिख देता हूं मैं 1.2 केल्विन डिग्री केल्विन पर, ठीक है, 1.2 डिग्री केल्विन पर अपना प्रतिरोध का मान शून्य कर लेता है। एक तरीके से जिसको बोलते हैं 271 सेंटीग्रेड में बात की, 271.9 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग अपना प्रतिरोध का मान शून्य कर लेता है। और यदि फारेनहाइट में देखा जाए तो 457 डिग्री फारेनहाइट, ये देखो। अब उसके बाद देखो कॉपर की बात, 272 के ऊपर यदि 273 के लगभग चला जाएगा, 272 से ऊपर चांदी
तांबा ये 272 से ऊपर चले जाते हैं, 200 माइनस 272 डिग्री सेंटीग्रेड जब इनका तापमान जाता है तो इनका प्रतिरोध का मान शून्य के लगभग पहुंच जाता है। 273.515 पे तो होना ही है, तो 272 से ऊपर 273 लगभग इनका प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है। उसके बाद यदि टिन की बात की जाए, देखो सबसे कम आता ना कि सबसे कम कौन अपने प्रतिरोध के मान को शून्य कर लेता है, कैडमियम की बात करते हैं 0.5 केल्विन पर, कैडमियम सीडी से दर्शाते हैं और 0.5 डिग्री केल्विन पर इसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। एक तो ये आता है, दूसरा आता है सबसे अधिक कौन होता है, नियोबियम, नियोबियम होता है एनबी, नियोबियम कितने पे 9.8 डिग्री केल्विन पर, केल्विन 0.5 केल्विन पर, तो ये और 9.8 पर ये अपने प्रतिरोध के मान को शून्य कर लेता है। और उसके बाद देखा जाए पारे की बात की जाए, ठीक है ना, मरकरी, मरकरी 4.2 तो पारा 4.2 डिग्री केल्विन पर इसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। और उसके यदि बात की जाए पारे को, यदि इसका डिग्री सेंटीग्रेड में बात की जाए तो 268.95 लिख देता हूँ, 268.95 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारे का प्रतिरोध शून्य हो जाता है और चालकता का मान अनंत हो जाता है। और उसके बाद शीशे की बात की जाए, लिखना पारे की बात होगी, टिन की बात की जाए, टिन दर्शन से दर्शाते हैं 3.7 केल्विन पर टिन का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। और यदि डिग्री सेंटीग्रेड में बात की जाए तो 269.45 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। और यदि शीशे की बात की जाए, शीशे को पीबी से दर्शाते हैं, शीशे की बात की जाए तो 7.2 किलो ओम 7.2 डिग्री केल्विन पर इसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है और 265.95 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। और ये तो थे दोस्तों इन चालकों की बात, अपने सुपर चालकों की बात, कि आसानी से सुपर चालक बनाया जाता है कि 272 डिग्री माइनस 272 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पहुंचेंगे तब जाके कहीं इसका प्रतिरोध शून्य होगा। तो जितनी भी केल्विन की बात है, जितनी भी माइनस, ये अपने सेंटीग्रेड में सब माइनस में आता है। तो ये थी दोस्तों अपने आज के चालकों का वर्गीकरण कंप्लीट हुआ, कि चालक के प्रकार, चालकों का वर्गीकरण कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों किसी भी प्रकार के यदि आपको कंफ्यूज हो कि सर ये समझ में नहीं आया, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स जरूर लिखना कि सर यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़ा दिया जाए, तो मैं अगले वीडियो में आपको समझाने का जरूर सुधार करूंगा और प्रयास करूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना नहीं भूलें। और जो साथी पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं और या वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको भविष्य में किसी प्रकार की इलेक्ट्रिकल थ्योरी पढ़ने में समस्या नहीं हो और किसी भी प्रकार के एग्जाम देने में आप आसानी से सफलता प्राप्त कर सकूं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये आज की वीडियो, अगले वीडियो में देखेंगे कि अचालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं, कुचालकों का पूरा वर्गीकरण करेंगे, एक एक का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। ये तो था चालकों का वर्गीकरण।